अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक लीगल एजुकेशन से रिलेटेड है। हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें इसकी इम्पोर्टेंस, इसके चैलेंजेस और अब फ्यूचर में इस जो लोग अभी न्यूली इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं या रिसेंटली उन्होंने इसमें ग्रेजुएशन की है, तो उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो आज हम इंशाल्लाह इस अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से। तो इम्पोर्टेंस के ऊपर तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि जो एक लीगल मैक्सिम, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, तो इससे बढ़ के इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जो है वो कोई मज़ीद वजाहत क्या हो सकती है। यानी कोई आदमी अपनी इग्नोरेंस ऑफ लॉ को अपने डिफेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जी मुझे इसका आइडिया नहीं था लॉ का और मैं इसलिए ये वायलेशन कमिट कर बैठा हूँ और मुझे इसका बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, तो ऐसी लॉ में कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। बल्कि लॉ तो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो इसकी लॉ के ऊपर अपडेट्स हैं उसे ये बाइंडिंग है हर सिटीज़न के ऊपर कि वो अपडेट्स जो है वो लेता रहे और अपने आप को अपडेट रखे कि जी लॉ के किस लॉ के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीज़न ऑफ स्टेट के वो उसके ऊपर अपनी अपडेट्स लेता रहे। और उसमें कहूँगा कि हाँ जी, लॉ बेसिकली चूँकि हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, एक सोसाइटी के बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसलिए इसको हम ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस ट्रीट करते हैं कि ये उसकी ब्रांच है। और पॉलिटिकल साइंस जो है वो इन ब्रॉडर सेंस जो है पूरी एक स्टेट के अफेयर्स को डिस्कस कर रहा होता है सब्जेक्ट। तो हम इसको आगे मज़ीद लेके चलते हैं इस लॉ की इम्पोर्टेंस के हवाले से कि जो लॉ में हम देखते हैं आजकल स्पेशली कि कुछ रिजेंबलेंस नहीं है हमारी नॉर्म्स में और लीगल प्रैक्टिसेस में, तो जिसकी वजह से ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि लॉ की वायलेशन जो है वो ज़्यादा रिपोर्टेड हो रही है। तो अभी इसमें मैं मज़ीद ये ऐड करूँगा इस प्रोफेशन की इम्पोर्टेंस और इस स्टडी की इम्पोर्टेंस के हवाले से कि ये इट्स अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स जिसको ये कहा जाता है। और इसमें हमने ये देखा भी है स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट कि हमें जितने बड़े नाम मिलते हैं इंडो पाक के वो सारे जो हैं इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे, तो जिससे साबित होता है कि ये लीगल प्रोफेशन और लॉ नोइंग लोग जो हैं ये दे नो वेरी वेल के हाउ टू गेट रिलीफ और टू गेट देयर लेजिटिमेट राइट्स, जिसमें बड़े नाम हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जना वो भी इसी प्रोफेशन से थे, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल वो भी इसी प्रोफेशन से थे, अगर इंडिया की तरफ देखा जाए तो गांधी वो भी लॉयर थे और नेहरू वो भी लॉयर थे। तो हमें ये बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं कि जो इस फील्ड के साथ एफिलिएटेड रहे। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान वो भी इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे। तो इस प्रोफेशन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, और चूंकि एक सोसाइटी है इसमें ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं और हर ह्यूमन बिहेवियर हर इंसान का ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी कर रहा होता है, और जिससे डिस्प्यूट राइज होते हैं डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन के लिए कोर्ट्स में जाना पड़ता है और कोर्ट में लीगल सपोर्ट के लिए लॉयर्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें नेक्स्ट अभी जो जिस पॉइंट को मैं मज़ीद लाना चाहूँगा आफ्टर इम्पोर्टेंस के हमारे सोशल नॉर्म्स में और लॉ में डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारे डिस्प्यूट जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। असूली तौर पे प्रैक्टिकली तो यही होना चाहिए कि जो सोशल नॉर्म्स हैं उन्हीं की उनसे मुताबकत रखते हुए कवानीन होने चाहिए ताकि जो है ये डिस्प्यूट्स कम से कम अराइज हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कवानीन हैं वो जिन लोगों ने इन पे इम्प्लीमेंट करना है इनके तहत अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है उनकी कोई कंसिडरेशन नहीं ली जाती, या इन ट्रू स्पिरिट वी कैन से कि जी इनकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असम्बलीज के अंदर जहाँ ये कवानीन जो हैं वो बन रहे हैं। तो इस वजह से ये कवानीन जो है हमारी सोशल नॉर्म से इनका डिफरेंस होता है। अदरवाइज हमें दुनिया में ऐसे ममालिक में मिलते हैं जिसमें रिटन लॉज नहीं है, सिर्फ सोशल नॉर्म्स के ऊपर ही वो अपने निज़ाम को चला रहे हैं,
जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल यूके की है कि वहां पे इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका रिटन नहीं है, उनकी सिर्फ वो नॉर्म्स हैं, रवायात हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और अपने मामलात को लेके चल रहे हैं। तो कवानीन की कामयाबी और कवानीन की उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि कवानीन जो है सोशल नॉर्म से मुताबकत रखते हों या उसके नज़दीक नज़दीक होने चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो उसको आसानी से और उसकी वायलेशन जो है वो कम से कम कमिट हो रही हो। एक और जो मैं देखता हूँ कवानीन का जो एक चैलेंज है कि जी ये इसमें हैं और कवानीन बेताशा बनते जा रहे हैं। हमने इस्लामी इकदार जो हैं वहाँ से जो जुरिस्ट जो ट्रूली थे, मैं तो कानूनदान जो दुनिया के सबसे बड़े हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, उन्होंने जो कवानीन बनाए उनकी रिफ्लेक्शन नजर आनी चाहिए हमारे कवानीन में। आल दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि जी वहाँ हमने लिख तो दिया है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे कवानीन होंगे, लेकिन हमें फिर भी कई कवानीन के अंदर कुछ ऐसी शिकें नजर आ जाती हैं जो कुरान और सुन्नत से मुताबकत नहीं रखती। तो ये जो है चीज़ें अननेचुरल जो होती हैं उसकी वजह से फिर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। अदरवाइज जैसे ये हमारे इमाम थे, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल और इस तरह ही दीगर जो बड़ी शख्सियात जिन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल सेट किए, खुलफा राशिदीन हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत अबू बकर सदीक, तो उन्होंने जो प्रिंसिपल सेट किए, अगर उन्हीं चीज़ों को कवानीन का दर्जा दे दिया जाए इन ट्रू स्पिरिट, तो काफ़ी हद तक जो है हमारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। क्योंकि हमें जो दीनी तालीमात दी जाती हैं, लोग, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा रिलीजन भी हमें इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि हमारा एक नेचुरल इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप होता है, लेकिन हम जब दीनी तालीमात से हट के कवानीन बनाते हैं तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। तो ये मेनली मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि कवानीन की मुताबिकत जो है वो होनी चाहिए इस्लामी तालीमात या सोशल नॉर्म्स के साथ। तो इस्लामिक सोसाइटी के अंदर तो सोशल नॉर्म्स जो वो इन्फ्लुएंस्ड हैं इस्लामिक तालीमात से। उसके बाद इस प्रोफेशन का हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी एक डिबेट भी है कि इसके अंदर एक डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया है, तो उसकी भी मैं डिक्लाइन को बजाय प्योरली उस पर रोना धोना करने के उसकी मैं कुछ रीजन्स और कुछ फैक्ट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये लीगल प्रोफेशन है जब लोग हैं या जो भी LL.M कंसर्न डिग्री करने के बाद इस प्रोफेशन में आते हैं तो गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है इस प्रोफेशन में। जो है जो ज्वाइन करता है इस प्रोफेशन को उसने अपने सर्वाइवल की जंग खुद ही लड़नी होती है। कोई हाउस जॉब लाइक डॉक्टर्स या कोई इंजीनियर या दूसरे प्रोफेशंस की तरह कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग, पेड इंटर्नशिप्स और कोई ट्रेनिंग्स, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये प्रोफेशन जो है उस तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोफेशंस में स्टैंड नहीं कर पाया इन पास्ट, और उसके अंदर इग्नोरेंस ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो रही है और गवर्नमेंट ने इस प्रोफेशन के ऊपर काम नहीं किया। अभी एक मैं आपको बड़ा सरप्राइजिंग ये एक फैक्ट कोट करने लगा हूँ। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ नहीं है, लॉ को यूनिवर्सिटीज में एज ए एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। हमारे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हमें नज़र आती हैं, हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो नज़र आते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन जो है वो हर फील्ड के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर हमें नज़र आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स नज़र आते हैं, लेकिन लॉ के लिए कोई नेशनल लेवल पे कोई एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया के अंदर 23 नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे प्योरली लॉ के ऊपर रिसर्च, लॉ के ऊपर स्टडी और वहाँ पे लीगल एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है। तो जाहिर है इससे डिफरेंस वाजह है कि कैसे वहाँ पे लोग जो हैं इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो ब्रीड आ रही है उसके अंदर हम इनपुट क्या दे रहे हैं, हमने उनको एक प्लेटफॉर्म ही सही नहीं दिए। जब गवर्नमेंट की इग्नोरेंस हुई तो नेचुरली इसके अंदर एक वैक्यूम आया, वैक्यूम से प्राइवेट कॉलेजेस एंटर हुए और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूट बन गए। तो इससे जो है इस प्रोफेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो
इस वीडियो के जरिए ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ, इस वीडियो को हमें चाहिए हम शेयर करें, हाईलाइट करें कि नेशनल लेवल पे लॉ के सब्जेक्ट के ऊपर जहाँ प्योरली लॉ की स्टडीज हों, रिसर्च हों, कुछ यूनिवर्सिटी हमारे पास पाकिस्तान में एक भी नहीं है, तो नेशनल लेवल पे एक यूनिवर्सिटी का क्याम फिलफोर अमल में लाना चाहिए ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन जो है इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने वालों को वहाँ से प्रोवाइड की जा सके। प्राइमरली यूनिवर्सिटी जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस्ड है और ये एक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर आज तक पढ़ाया जा रहा है, तो ये पॉइंट एक बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल था जिसको मैं आज इस वीडियो के जरिए हाईलाइट करना चाह रहा था। तो अभी हम अपने इस दूसरे फॉर्मल इसके ऊपर आते हैं जो थोड़ा मैंने कंटेंट प्रिपेयर भी किए हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि LLB, LLM, LLD एंड कैरियर ऑप्शंस। तो इसमें मैं इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं इसमें कहना क्या चाह रहा था कि ये तीन डिग्रीज हैं। LLB जो है वो बैचलर कहलाती है, इसकी मास्टर्स डिग्री होती है, PhD या डॉक्टरेट कह लें, इसका मैं आगे बताता हूँ कि ये PhD से इसको एट पार नहीं बल्कि अबव ट्रीट किया जाता है, उसके रीजन भी आ जाएगी आगे, और क्या कैरियर ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं टू यंग एंट्रेंट्स को, जो लॉयर्स हैं जो लॉ ग्रेजुएट करके आ रहे हैं। तो अभी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आज भी हम इवन जो लॉ ग्रेजुएट है उनको भी पूछते हैं कि LLB स्टैंड फॉर ये क्या, किस चीज़ का ये एब्रीवेशन है, तो काफ़ी हम देखते हैं एक आम लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं है और बाज़ का तो LLB वालों को भी पता नहीं होता, तो मैंने सोचा आज इस चीज़ को भी यहाँ एक्सप्लेन कर दें। ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है लीगम बैकलोरस, वहाँ से ये वर्ड लिया गया है और जिसको जिसका मतलब जो है इन इंग्लिश वो है बैचलर ऑफ लॉज, बैचलर ऑफ लॉज नॉट लॉ, लॉज। और इसको एक और टर्म यूज़ की जाती है LLB को जो कि बाद में क्रिएटेड है, रियलिस्टिक नहीं है, लेजिस्लेटिव लॉ बैचलर। तो अभी इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मजीद आगे वजा, लीगम बैकलोरस जो है ये लेटिन वर्ड है, लेकिन यहाँ दोबारा ये क्वेश्चन राइज होता है कि ये डबल एल जो है ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो बेसिकली ये वर्ड है लेक्स बैकलोरस यानी कानून का बैचलर, बैचलर ऑफ लॉ। तो जब लॉ को प्लूरल करते हैं अंडर लैटिन लैंग्वेज तो वहाँ लेक्स जो है दैट इज ए सिंगुलर और इसका प्लूरल है लेगम। तो लैटिन लैंग्वेज में जब किसी वर्ड को प्लूरल में लिखते हैं तो वो डबल उसका स्टार्टिंग वर्ड यूज किया जाता है, तो इसलिए लेक्स अगर लिखा जाता तो सिर्फ LB होता, अब चूंकि लॉज की बात हो रही है तो लीगम बैकलरस है लिखते हुए LLB लिखा जाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ, हम सम टाइम देखते हैं अपने ओल्ड पेपर्स में या कुछ बुक्स जब रीड करते हैं तो जहां पे वर्ड पेज आता है तो P1, P2, P3 लिखा होता है और जहां पे पेजेस होता है तो PP लिखा होता है, तो ये भी इसी प्रिंसिपल के तहत होता है, लेटिन प्रिंसिपल है, जहाँ पे वो सिंगुलर वर्ड जब सिंगल पेज के लिए यूज करते हैं तो वहाँ P लिखते हैं और जब प्लूरल मोर देन वन पेज होता है तो PP लिखते हैं। तो सेम इज अप्लाइड ऑन दिस वर्ड लेक्स, लेक्स मीन लॉ और उसकी प्लूरल है लीगम, लीगम के लिए डबल एल जो है वो स्टैंड करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं LLM, LLM स्टैंड फॉर लीगल मैजिस्टर, तो ये अगेन लैटिन वर्ड है, लीगम मैंने बता दिया, इट्स अ प्लूरल ऑफ वर्ड लेक्स, लेक्स मीन लॉ और मजिस्टर मीन मास्टर्स इन लैटिन लैंग्वेज, और हमारे इंग्लिश के अंदर इसको जो है दैट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ लॉ और एक जो सेल्फ क्रिएटेड इसकी एब्रीवेशन बना ली गई है दैट इज लेजिस्लेटिव लॉ मास्टर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज LLD, LLD और इसके साथ ही एक वर्ड DCL भी यूज होता है, तो LLD जैसे प्रीवियसली बताया लीगम डॉक्टर है और प्लूरल वर्ड लीगम और डॉक्टर दैट्स मीन ही इज डॉक्टरेट इन लॉ, तो इंग्लिश में डॉक्टर्स ऑफ लॉ इसको कहते हैं, और
इन सम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इसको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ भी कहा जाता है। अभी ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है यूनिवर्सल लेवल पे, जो इन लॉ लोग करते हैं दैट स्टैंड्स अबव देन पीएचडी, जो ये एक लीगल लॉ की डिग्री को एक ऑनर है इसके लिए कि ये वाली पीएचडी जो है दूसरे जो डॉक्टरेट होते हैं ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के तहत इसको अबव दी दोज पीएचडीज ट्रीट किया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, चूंकि मैंने जैसे पहले हाईलाइट किया कि लॉ की यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, एक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लॉ को पढ़ाया जा रहा है, तो जब कभी यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमें फिर डॉक्टर्स भी इसमें लॉ में देखने को मिलेंगे। अभी इस तरह हमें लॉ में डॉक्टर्स जो हैं वो लोग देखने को नहीं मिलते इस फील्ड के अंदर। आगे चलते हैं जी, ये LL.B को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया, LL.B स्टैंड्स फॉर, उसके इम्पोर्टेंस चैलेंजेस उसको देख लिया, और अब नेक्स्ट करते हैं उनके पास। ये इवन जो यंग लॉयर्स एंटर होते हैं इस प्रोफेशन में वो भी इस चीज़ को शायद समझ रहे होते हैं कि सिर्फ जाना और वकालत और कोर्ट में अपेयरेंसेज, यही इस प्रोफेशन और इस डिग्री के अगेंस्ट फ्यूचर जो है उनका पोर्टफोलियो यही है। तो लेट्स सी, ये मैंने कुछ कंपाइल की हैं फील्ड्स जो कैरियर ऑप्शन के तौर पे कंसिडर की जा सकती हैं फॉर असिस्टेंस ऑफ न्यू कमर्स और इवन जो हु आर स्टिल स्टडिंग द लॉ, तो होपफुली ये उनको कुछ सपोर्ट इससे मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर ऑप्शंस में एक जो स्टैंडर्ड होता है कि LL.B आप कर लेते हैं तो यू विल बिकम ए लॉयर, और लॉयर से एडवोकेट में कन्वर्ट होने के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम योर रेलिवेंट प्रोविंशियल बार काउंसिल, लाइक सिंध में तो सिंध बार काउंसिल, पंजाब में तो पंजाब बार काउंसिल। तो जब आप लाइसेंस ले लेते हैं तो यू विल बिकम, और आप उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं जस्ट आफ्टर डूइंग LL.B। प्रैक्टिस की इंटाइटलमेंट नहीं होती, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस के लिए क्राइटेरिया है, उसका टेस्ट होता है और टेस्ट के बाद इंटरव्यू, देन उसके बाद लाइसेंस। और लाइसेंस जो है इनिशियली लोअर कोर्ट्स के लिए दिया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज, इस लेवल पे 2 साल के लिए अपेयरेंस जो है वो की जा सकती है। ये 2 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, अनलेस के उसको अपग्रेड करवा लिया जाए अपटू लेवल ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का लॉयर बनने के लिए 2 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इन्हीं सिविल कोर्ट्स, मजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स के सामने, और जब 2 साल प्रैक्टिस कर ली जाती है और उसके बाद अगेन अपनी कंसर्न बार काउंसिल को अप्रोच किया जाता है और वहाँ पे उनका जो भी क्राइटेरिया है वो कंटेस्टेड केसेस की लिस्ट मांगते हैं और वहाँ पे उसी से मुतल्लिक क्वेश्चनिंग, और अगर उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको एडवोकेट हाई कोर्ट का स्टेट। ये तो एक कन्वेंशनल जो है इस की फील्ड है आफ्टर डूइंग LL.B। उसके बाद हम देखते हैं अभी चूंकि एक ट्रेंड लॉ फर्म्स और लॉ कंपनीज का काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी लेट है लेकिन इन नियर पास्ट अभी हमें देखने को रिसेंटली देखने को मिलना शुरू हो गई हैं लॉ फर्म्स। तो उसमें लॉ फर्म्स में अगेंस्ट मंथली स्टाइपेंड और पेमेंट जो है वो ज्वाइन किया जा सकता है उसको एज ए जूनियर पार्टनर और एज एन एसोसिएट। उसके बाद अगर LL.B किया हुआ है, 2 साल आपको प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं, तो देन आपके पास एक ऑप्शन आती है सिविल जज या मजिस्ट्रेट के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, उसके लिए 2 साल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और आप ये कुछ लोग तो टारगेटेड LL.B.C के लिए करते हैं कि आफ्टर डूइंग LL.B और इनिशियल 2 ईयर टर्म्स वहाँ पे कंप्लीट करके कोर्ट्स में और वो इस जुडिशियल फील्ड के अंदर आ जाएं, और ये नेचुरली एक बड़ा लुक्रेटिव प्रोफेशन है। आप थ्रू एक यंग लाइफ में ही अगर आपने 22-23 साल की उम्र में LL.B किया हुआ और 25-26 साल की एज में आप एज ए सिविल जज जो है अपने कोर्ट एक अचीवमेंट और ऑनर की बात होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने जिसको लिस्ट डाउन किया दैट इज असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
तो ये भी इस पे भी हम देखते हैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन ऑलमोस्ट एनुअल बेसिस पे हायरिंग हो रही होती है और इन्हें आसान अल्फाज में हम सरकारी वकील जिसको बोलते हैं, और ये जो सरकारी वकील होते हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट कर रहे होते हैं ये इन सिविल कोर्ट इन मजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने कैरियर ऑप्शन लिस्ट डाउन किया दैट इज और विद सजेशन कि आप अगर एलएलएम को परसू करें और उसके बाद एकेडमिक साइड पे आ जाएं और लेक्चरर और बीइंग प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में इस फील्ड को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये भी एक रिस्पेक्टेबल आपकी एक लाइन इस प्रोफेशन के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास कैरियर ऑप्शन है कम्पिटेटिव एग्जाम्स उनके अंदर अपेयर हो जाएं और ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज सीएसएस जिसको बोलते हैं हम, उसमें आपको एलएलबी करने के बाद जब अपेयर होते हैं तो नेचुरली एक एज मिलता है। इंटरव्यूअर भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि लॉ ग्रेजुएट को अगर हम इसके अंदर इंडक्शन करते हैं तो ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ही इन्होंने अपॉइंट होना होता है और जो जिसके अंदर उन्होंने अपनी सारी ड्यूटीज़ लॉ के मुताबिक परफॉर्म करनी होती हैं, पब्लिक पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, तो ये एक प्रेफर्ड ऑप्शन के तौर पे लॉ ग्रेजुएट जो है सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर स्टैंड करते हैं। उसके बाद एक और फील्ड जो है विच इज़ आल्सो ए वेल एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेट सेक्टर में आप आ सकते हैं, इन हाउस लीगल काउंसल के तौर पे अपनी सर्विसेज वहाँ पे रेंडर करें कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करके, और ये कंपनीज जो हैं यूजली लॉ ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। एक तो उसका एडवांटेज उनको होता है कि इन हाउस उनको रेडिली अवेलेबल जो है एक लीगल ओपिनियंस मिल जाती हैं। नंबर टू चूँकि उनका लीगल नॉलेज नहीं होता तो अगर उन्होंने किसी एक्सटर्नल फोरम पे भी लीगल फोरम पे कांटेक्ट करना है कोई चीज़ वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो उसके लिए भी वो अपने इन हाउस लीगल काउंसल को ही एंगेज करते हैं फॉर गेटिंग ओपिनियंस और परसुइंग देयर मैटर इन कोर्ट्स और इन गवर्नमेंट कॉरिडोर्स इवन वो कैन से। तो ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर को भी ज्वाइन किया जा सकता है और एज ए इन हाउस लीगल काउंसल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ये भी मोस्टली लोगों को नहीं पता होता शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये आर्म फोर्सेस के अंदर भी लॉ ग्रेजुएट के लिए जो है ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं। वहाँ पे जैक ब्रांच के नाम से जो है एक डिपार्टमेंट है जिसको जज एडवोकेट जनरल जो है ब्रांच कहा जाता है, जहाँ पे आर्म फोर्सेस के अंदर जो उनका सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है तो ये वहाँ पे प्रोसीडिंग होती हैं, और वहाँ पे जो भी रोल असाइन हो उन प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने के लिए असिस्ट करने के लिए, तो ये एक बड़ा लुक्रेटिव प्रोफेशन है। और इसमें ये लॉ ग्रेजुएट्स को जो है इसके अंदर प्रिविलेज है कि ये डायरेक्ट थ्रू एसएसबी इंडक्शन होती है लेकिन डायरेक्ट एज ए कैप्टन रैंक पे इनकी वहाँ उस रैंक से ये कैरियर स्टार्ट होता है उसके अंदर। और ये इनिशियली 5 ईयर्स मैंने एडवर्टीजमेंट्स देखी हैं 5 ईयर के लिए इंडक्शन की जाती है लेकिन ये रिन्यूएबल 5 ईयर्स होते हैं जो फिर जितनी लेंथ ऑफ सर्विस होती है उसके साथ वो प्रमोशन भी एम्प्लॉय जो है वो अर्न कर रहा होता है। डेजिग्नेशन एंड प्रमोशन और रिन्यूअल्स ये एक कंटिन्यूटी के अंदर ये उसका देन एक नई जो कैरियर ऑप्शन डेवलप हुई है दैट इज लीगल जर्नलिज्म। अभी जैसे हम देखते हैं कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है और मोस्टली जो डिबेट है वो गवर्नमेंट फंक्शंस के ऊपर हो रही होती है या स्टेट के डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट कैसे रन हो रही है हर इंस्टीट्यूट कैसे काम कर रहा है, तो सम टाइम कोर्ट जजमेंट्स हम लोग देखते हैं जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। तो हमारे जो ये मास कम्युनिकेशन के बाद जो लोग इसमें जर्नलिज्म में आते हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज्वाइन करते हैं वो लीगल एक्सपर्ट उस तरीके से नहीं होते, तो उनको फिर ये सर्विसेज चाहिए होती हैं लीगल एक्सपर्ट्स की फॉर गेटिंग अवेयरनेस अबाउट द कोर्ट रूलिंग्स रेलिवेंट लॉज। तो ये एक जब हम शाम में देख रहे होते हैं मोस्टली टॉक शोज
तो इन टॉक शोज के बैकएंड पे जो है ये एक लीगल टीम जो है ये प्रिपेयर करके दे रही होती हैं, मोस्टली जो जर्नलिस्ट हैं जो एंकर्स हैं उनके लिए कंटेंट्स जो है वो एक लीगल टीम जो है वो प्रिपेयर करके उनको दे रही होती हैं। उसके बाद एक नई फील्ड जो है विद पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हो रही है लीगल, उसमें हम देखते हैं कि कुछ इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लोकली जो लॉ फर्म्स को अप्रोच करती हैं फॉर कॉन्टेस्टिंग देयर केसेस और टू अपेयर ऑन बिहाफ ऑफ देम इन कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक फील्ड ये भी इमर्ज कर रही है कि थोड़ा आप एक्सपीरियंस करें और इस तरह की फर्म्स के साथ अटैच हो जाएं ताकि वो उनकी आप पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर सकें। और ये इसका स्कोप दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसका इसके ऊपर सीपैक का इम्पैक्ट भी आएगा, सऊदी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है वहाँ से भी आएगा, रशियन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है वहाँ से आएगा क्योंकि रशियन कंपनीज आएंगी, सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं तो चाइनीज़ कंपनीज को यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो लीगल फर्म्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। ओरिजिनली उनके पास वहाँ पे चाइना में रशिया में या सऊदीया में लॉ फर्म्स उनके साथ काम कर रही होंगी, वो वाली लॉ फर्म्स जो हैं यहाँ पे एंगेज कर भी रही हैं और करेंगी भी फ्यूचर में यहाँ की लोकल लॉ फर्म्स को, और म्यूचुअली भी ये हो सकता है यहाँ वाली लोकल लॉ फर्म जो हैं वहाँ उन कंट्रीज के लिए उनको एंगेज करें कि वहाँ पे जो लोकल उनके इश्यूज हैं कोई क्लाइंट पाकिस्तानी लॉ फर्म्स के उनके कंट्रीज में हैं तो वहाँ पे ये पाकिस्तानी लॉ फर्म्स को और पाकिस्तानी क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करें। तो ये एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की सूरत इसकी पाकिस्तान में डेवलप हो, और कई कंपनीज के हम देखते हैं हेड ऑफिसेज जो हैं वो हमें दुबई में यूएई में नज़र आते हैं, तो आर्बिट्रेशन के फोरम हम देखते हैं कई मल्टीनेशनल कंपनीज का एग्रीमेंट जो है वो हमारी नेशनल लेवल कंपनीज के साथ होता है और आर्बिट्रेशन के लिए फोरम जो है वो दुबई या ऐसा कोई न्यूट्रल फोरम जो है वो डिटरमिन किया गया होता है, तो वहाँ पे कंपनीज की रिप्रेजेंटेशन के लिए लीगल काउंसल्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसी को ये लीगल आउटसोर्स ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो इसमें मैंने लिस्ट डाउन किए हैं ये भी एक गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ही एक्सटेंशन है, लाइक जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का जिक्र किया, तो पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस है जिसको हेड जो है वो अटॉर्नी जनरल करते हैं, अटॉर्नी जनरल इज बेसिकली अ चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो उनकी असिस्टेंट्स के भी होते हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स भी होते हैं, उनके नीचे रिसर्च ऑफिसर्स भी होते हैं, है लीगल जो है जॉब्स हम यूजली देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और वहाँ पे इंडक्शन हो रही होती है। देन सेम फॉर्मेट पे प्रोविंशियल लेवल पे एडवोकेट जनरल ऑफिस स्टेब्लिश्ड हैं और अगेन एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हम देखते हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो होते हैं तो ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इनके नीचे भी इनकी टीम्स काम कर रही होती हैं, रिसर्च ऑफिसर्स होते हैं और इस तरीके से इनका एक काफ़ी ह्यूज सेटअप चल रहा होता है। एडवोकेट जनरल जो है वो प्रोविंस के चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है जस्टिस हाई कोर्ट, इसमें जस्टिस हाई कोर्ट की जो ये एक इस प्रोफेशन की यूनिकनेस है, जो लॉ ग्रेजुएट हैं उनको वो जानते हैं और जो नहीं जानते उनकी अवेयरनेस के लिए ये बातें मैं आज कर रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट या पिशावर हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इंडक्शन के लिए मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है दैट इज 45 ईयर विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हाई कोर्ट, तो दैट्स मीन के ये भी ऐसी पोजीशंस हैं जिनके लिए आपका स्टार्टिंग एज जो है 45 से रिक्वायर्ड है और इनकी रिटायरिंग एज जो है हाई कोर्ट्स की 62 ईयर्स है, तो आपकी अगर एज बिटवीन 45 to 62 है, प्रैक्टिस अच्छी है, आपने अच्छी रिप्यूट अर्न की हुई है, आपके रिपोर्टेड केसेस हैं तो आप का नाम जो है वो कंसिडर किया जा सकता है फॉर एलिवेशन एज जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये एक फील्ड के अंदर ये बहुत बड़ा चाम है और कुछ लोग इस चीज़ को टारगेट करके जो है वो अपने कैरियर को लेके चल रहे होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें हाई कोर्ट में मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, 62 इज रिटायरिंग एज, तो
तो दैट्स मीन के और कुछ हमने मैंने भी देखा है कि कुछ जो हैं जजेस अपॉइंट हुए हैं तो उस वक्त उनकी एज 57 58 59 ईयर्स थी आफ्टर 1 2 3 4 ईयर्स वो जब अपनी सर्विस से रिटायर हुए 62 पे तो एज ए वो सो हाई कोर्ट से उनकी रिटायरमेंट हुई। तो यानी इसके अंदर आप टाइम बार नहीं हो रहे होते, आप अगर मेहनत से दिलगी के साथ अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो आपको एज के डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिच्योर होती जा रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये भी एक पोजीशन होती है। इसके अंदर मिनिमम क्राइटेरिया जो है दैट इज 5 ईयर एक्सपीरियंस हैज जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और या 15 साल आपकी प्रैक्टिस एज एडवोकेट हाई कोर्ट। तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का कुछ इतना हमें यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रेंड नज़र नहीं आता, मोस्टली हाई कोर्ट से एलिवेशन की जाती है, लेकिन कुछ पास्ट नियर पास्ट में इवन हुई हैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स और एक जस्टिस साहब थे वो तो एज ए चीफ जस्टिस रिटायर हुए, यानी उनका थोड़ा सा करियर पाथ ऐसा था कि उन्होंने एलिवेट हुए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हमारे जो कंट्री के कुछ चैलेंजेस हैं, कोई पीसीओ आया 2007 के अंदर तो ही रिफ्यूज्ड कि जी मैं ओथ लूंगा अंडर पीसीओ और वो घर बैठ गए। और देन जब ये जुडिशरी जो है वो दोबारा इसकी रेस्टोरेशन हुई और एक रजीम कंप्लीट दोबारा वापस आई तो इनको फिर डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया। और बिफोर हिज रिटायरमेंट ही अटेंड द स्टेटस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब जो होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज इज 65 ईयर्स, तो जिससे ये साबित होता है कि इवन आप अभी 65 को टच नहीं किया तो यू स्टिल हैव ए चांस के आपका पोर्टफोलियो प्रोफाइल अच्छा है, आपका आपका सपोर्ट में है और आपकी कोर्ट में जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वो अच्छी हैं और यू कैन बी कंसिडर्ड एज ए जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर यू अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये इसके अंदर जो है इस करियर की ये खूबसूरती है कि ये थ्रू आउट लाइफ जो है, और इसमें अगर आप एडवोकेट ही एज ए एडवोकेसी कर रहे हैं, एज ए एडवोकेट ही प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो फिर आपके पास कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं है इसकी। तो इसके लिए हार्डवर्क तो है स्टार्टिंग में, लेकिन जो लोग हार्डवर्क करते हैं और अपनी स्पेस बना लेते हैं तो उनके लिए इस प्रोफेशन के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसलिए वो किसी ने इसको कहा बिल्कुल सही कहा कि प्रोफेशन इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो आता है हार्डवर्क करता है और उसके बाद सर्वाइव करता है, परफॉर्म करता है, मेहनत करता है तो कुछ ना कुछ उसको इस प्रोफेशन के अंदर हाई प्रोफाइल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से के अंदर उसको मिल सकती हैं। और एक नेचुरल एक चीज़ है कि खाली डिग्री करने से तो कुछ नहीं मिलता, हमेशा नॉलेज जो है वो रूल करता है। आपके पास नॉलेज है, आपकी अच्छी करियर आपने बिल्ड किया है तो डेफिनेटली यू विल रूल। और इसके साथ ही मैं ये आज के सेशन को ख़त्म करता हूँ, अनलेस कोई क्वेश्चन मैं देख लूँ कि अगर किसी का क्वेश्चन है उसको मैं आंसर कर दूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपका राना निसार साहब, अहमद, और उसके बाद महाद साहब, थैंक यू वेरी मच, दीक रंधावा साहब बहुत शुक्रिया। महाद साहब कह रहे हैं पुट सम लाइट ऑन फॉर्मल एजुकेशन इन आईआर, इट्स टाइम दैट। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान में जब यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे तो हर सब्जेक्ट के ऊपर फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है लेबर लॉज 150+ लेबर लॉज हैं इंक्लूडिंग कोर्ट इनेक्टमेंट्स रूल्स नोटिफिकेशंस, तो ये तो इवन LL.B के अंदर कम्प्लीटली कवर नहीं हो रहे होते। तो स्पेसिफिक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लॉज लॉ जब बनेंगी तो उसके अंदर वी कैन होप के जी उसके अंदर इन चीज़ों को कवर किया जाएगा।
और मियाँ साबिर साहब थैंक्स फॉर वाचिंग जी, बहुत शुक्रिया। और आपके अगर कोई कुछ क्वेश्चन हुए कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको सारों को आंसर कर सकूं। और आप लोगों का साथ रहने का, देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।